Good morning, students. Now I am taking question number 7 of exercise 12.3. You are given ABCD is a square of side 14 cm, therefore AB is equal to 14 cm. With centers A, B, C and D, four circles are drawn such that each circle touches externally two of the remaining three circles. इस तरह से ये फिगर भी दी हुई है आपको. Find the area of shaded region. अब क्योंकि ये रेडियस है AP और PB दोनों सर्कल्स का और सर्कल्स का रेडियस सेम है. दैट मींस AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB व्हिच गिव्स यू रेडियस 7 सेंटीमीटर. एंड सिंस एंगल A इज 90 डिग्री तो ये क्वाड्रेंट हो गया. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इनटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स, है ना. अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो है आपका क्योंकि 14 सेंटीमीटर साइड है तो 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर. और क्वाड्रेंट्स मतलब थीटा हो गया 90 डिग्री. 4 इसलिए लिया है क्योंकि 1 2 3 4 ये चार क्वाड्रेंट्स हैं तो 90/360 इनटू पाई यानी कि 22/7 इनटू आर रेडियस हो जाएगा एपी दैट इज 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आया 90 से 360 कट गया 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया. 14 का स्क्वायर होता है 196 और 22 इनटू 7 इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हिच गिव्स यू आंसर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 8. एक ये ट्रैक दिया हुआ है सेमी सर्कुलर, ठीक है, इसके एंड्स पर सेमी सर्कल्स हैं और डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल एज, ये यहां से यहां तक ये इनर पैरेलल एज 60 मीटर्स है, ट्रैक की विड्थ 10 मीटर्स है. यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज एंड द एरिया ऑफ द ट्रैक. नाउ डायमीटर ऑफ द इनर सेमी सर्कल ये वाला इज इक्वल टू 60 मीटर तो रेडियस हो गया 30. आउटर डायमीटर क्योंकि ये 10 मीटर ऐड हो जाएगा और ये भी 10 मीटर ऐड हो जाएगा दोनों तरफ से विड्थ ऑफ द ट्रैक तो आउटर डायमीटर विल बी 80 मीटर एंड हेंस रेडियस विल बी 40 मीटर्स. नाउ डिस्टेंस अलोंग द इनर एज ये वाला डिस्टेंस ये हुआ 106 ये लेंथ 106 ये वाली लेंथ प्लस ये सेमी सर्कल यानी कि 2πr सर्कमफेरेंस का आधा ये भी सेमी सर्कल यानी 2πr सर्कमफेरेंस का आधा हाफ सर्कमफेरेंस हो गया ना. तो वी गेट 106 इनटू प्लस 106 प्लस टू सेमी सर्कल्स हैं तो 2 इनटू सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल्स. नाउ सेमी सर्कल्स की सर्कमफेरेंस होगी क्योंकि इनर एज के अलोंग है तो 2πr अपॉन 2 दैट इज r ले लेंगे हम यहां पे 30 एंड दिस गिव्स यू 2804/7. नाउ एरिया ऑफ ट्रैक ये पूरे ट्रैक का एरिया रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया तो सीधा सीधा हो जाएगा 106 इंटू 10 और दो रेक्टेंगुलर पार्ट्स है तो मल्टीप्लाइड बाय 2. दो सेमी सर्कुलर पार्ट्स है तो ये सेमी सर्कुलर रीजन का एरिया निकालेंगे हम और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सेमी सर्कुलर रीजन का एरिया मतलब आउटर सर्कल के एरिया में से ये इनर सर्कल का एरिया माइनस करना क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो हाफ हो गया. सो वी गेट 2 इंटू 106 इंटू 10 ये तो रेक्टेंगल पार्ट हो गया और 2 इंटू सेमी सर्कल मतलब बड़ा वाला सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 छोटा वाला पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2. तो इस तरह से जब हम ये वैल्यूज डालेंगे तो वी विल गेट कैपिटल आर था 40 और स्मॉल आर था हमारा 30. इसको हम 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर को ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आइडेंटिटी और इस तरह से इसे कैलकुलेट कर लेंगे एंड यू गेट द आंसर 4320 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 9 फिगर बनी हुई है. ये रेडियस ओ ए आपको 7 सेंटीमीटर दिया है यानी कि ये ओ डी भी आपका 7 सेंटीमीटर है. तो ये स्मॉलर सर्कल है इसका रेडियस हो गया डायमीटर 7 है तो रेडियस हो गया 7/2.
बड़े सर्कल को रेडियस को हमने कैपिटल आर से डिनोट कर लिया, ये छोटे सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट किया। अब ये शेडेड एरिया का जो एरिया होगा, ये शेडेड एरिया ये कैसे निकालेंगे, एक तो ये पूरा सर्कल का ही एरिया है, तो ये तो स्मॉल पाई आर स्क्वायर, आर स्मॉल ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर हो गया। और ये वाला एरिया, इसको हमने यहाँ पे एक्स नाम दे दिया, दिस इज नथिंग बट इस क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल बी ओ सी को माइनस करा, यानी कि सेक्टर बी ओ सी एक्स में से ट्राइंगल बी ओ सी को माइनस कर दिया। सेक्टर क्योंकि ये आपको इंटरसेक्टिंग आपको परपेंडिकुलर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ये वाला एंगल 90 दिया है, तो ये तो हो गया सेक्टर एरिया 90/360 × 22/7 × 7 × 7 πr² माइनस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। और इस तरह से ये हमने कैलकुलेट कर लिया 66.5 cm². आई होप ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 10, उसमें आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, इसका मतलब आपको एंगल ए जो दिया है वो 60 डिग्री हो गया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a² वो लगाएंगे, और उसमें से तीन सेक्टर्स जो है माइनस कर देंगे, जैसे ए बी और सी पॉइंट्स पे बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 9 सर्कल्स दिए हुए हैं हैंडकरचीफ के ऊपर, और इनका जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर है, तो एक सर्कल का डायमीटर हो गया 14 सेंटीमीटर। तो ए बी लेंथ जो है, क्योंकि तीन सर्कल्स के डायमीटर है, तो तीन सर्कल्स का डायमीटर मीन्स 14 × 3, इस तरह ए बी लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है ना। अब जब आपको रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है हैंडकरचीफ का, तो स्क्वायर ए बी सी डी के एरिया में से 9 × 1 सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए देन यू कैन आस्क मी।